जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल व्रत त्योहार कहानियां में। भगवान शिव की कथा कहती है, ब्राह्मण देव ने धर्म पत्नी कहती है, तुम्हें कोई कमी पड़े तो मुझे बताओ, मैं आपको दे देती हूँ भाग। पर ब्राह्मण देव तो ब्राह्मण देव थे, जो लाते थे वो दान पुण्य संकीर्तन में लगा देते थे। एक दिन शाम का समय, प्रदोष का दिन, प्रदोष का दिन, प्रदोष काल, शाम का समय, भगवान देव अधिदेव महादेव माँ जगत जननी पार्वती जी के साथ में भ्रमण करने थे। देखिए, अगर प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, प्रदोष के दिन आप व्रत नहीं कर सकते, मान लो आपसे भूखा नहीं रहा जाए, प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, प्रदोष के दिन आप भूखे नहीं रह सकते, मंदिर भी नहीं जा सकते, दिया भी नहीं लगा सकते, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अपने ही दरवाजे के पास में देवदी देव महादेव का स्मरण कर लक्ष्मी की वृद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, संपदा को प्राप्त करने के लिए आप अपने ही दरवाजे के पास में एक दीप लगा सकते हो। कौन से दिन? प्रदोष के। एक बात और अच्छे से समझ लीजिए, जो बच्चे चिड़चिड़े होते हैं, चाहे घर में बेटे हों, बहुएं हों, सास हो, ससुर हो, परिवार में छोटे छोटे बच्चे हों, चिड़चिड़ प्रवृत्ति करते हों, या चिड़चिड़ा स्वभाव हो, जरा जरा सी बात में क्रोध आ जाता हो, बोलने का भान नहीं रह पाता हो, शब्दों के बाण चलते हों, तो महाराज प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक जो पत्ता आपके पास में हो, पान का मिल जाए तो पान का, पीपल का मिल जाए तो पीपल का, बेलपत्र का मिल जाए तो बेलपत्र का, उस पत्ते पर मात्र थोड़ा सा शहद और 7 दाने चावल के रखकर घी का दिया लगा दो महाराज, और थोड़ा सा जल हाथ की अंजलि में लेकर भगवान देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर कि इस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती विराजमान है, इसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे मेरे देवाधिदेव महादेव का 12 ज्योतिर्लिंग का स्वरूप प्रकट है, उनका स्मरण कर जल चढ़ा दीजिए, और उसका स्मरण कर लो जो चिड़चिड़ प्रवृत्ति करता हो, क्रोध करता हो, जिसको बोलने का भान नहीं होता हो, सम्मान नहीं देता हो, अपशब्द कहते हो, उनका स्मरण कर आप छोड़ेंगे एकदम, एक प्रदोष करेंगे दूसरे प्रदोष तक तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं, 2-3 प्रदोष कर देखिए, बाबा कृपा करें। बच्चों को पढ़ने का कह रहे हो, पढ़ने बैठो, पढ़ने बैठो, पढ़ने बैठो, पढ़ने बैठो, तो एकाध प्रयास बच्चों के लिए भी कर लिया करो कि भाई ठीक है, जैसे वैकुंठ चतुर्दशी वाला उपाय हमारे YouTube पर भी डला हुआ है, आप उसको निकाल कर सुनना, वैकुंठ चतुर्दशी के दिन प्रयास कर लो, बच्चे लोग विद्या में प्रबल होंगे। शिव उपासना का जो फल है वह 1000। ब्राह्मण देवता आज मंदिर के दरवाजे पर बैठे हुए थे, मंदिर की बुआरी लगाकर बेलपत्री को उठाकर एक बोरे में, एक बारदान में, एक झोले में भर रहे थे। एक बारदान में, एक बोरे में, एक झोले में भर रहे, पहले भी कथा में काज फिर कहते हैं, शिव मंदिर में जल बाद में चढ़ाना, शंकर के मंदिर में जाकर पंचामृत स्नान बाद में कराना, शंकर जी के मंदिर में जाकर पूजन बाद में करना, पहले थाली एक और रखकर शिव मंदिर में झाड़ू पोछा या जो बेलपत्री निर्माल्य जो भी रखा हो, उतरा हुआ सामान, उसको भरकर कहीं एक और जहां मंदिर वाले रखते हो वहां ले जाकर रख दो, झाड़ू पोछा एक बार जरूर। इस ब्राह्मण के चरित्र को सुनिए जो शिव महापुराण में वर्णन किया गया है। कार्तिक महात्म की कथा कर रही है,
कार्तिक मास में पड़ने वाले प्रदोष के दिन महाराज वो ब्राह्मण बैलपत्री को उठा उठाकर वारदान में भर रहा था। पूजन करने से पहले सबसे पहले सफाई का ध्यान रखो, और एक विश्वास रखना, आप मंदिर की सफाई नहीं कर रहे, फिर निवेदन करूंगा आपको, आप मंदिर की झाड़ू नहीं लगा रहे, आप मंदिर की सफाई नहीं कर रहे, आप मंदिर में पोछा नहीं लगा रहे। जितना हाथ आप मंदिर में फेर रहे हो सफाई के लिए, उतना आपके जीवन में जितना दुख है, जितनी तकलीफ है, जितना कष्ट है, जितनी बीमारी है, उस पर हाथ फेर रहे, मंदिर में नहीं फेर रहे। नहीं तो सारी दुनिया में जितने मंदिर है, सारे मंदिरों में ट्रस्टियों ने कुछ ना कुछ लगा कर रखा है, स्वीपर आता साफ कर दिया था, ये आएगा सफाई कर कर जाएगा, पंडित जी होंगे तो बुआरी लगा देंगे, पंडित जी होंगे सफाई कर देंगे, उन्होंने तो पंडित जी को बोल के रखा कि साफ कर दो, पंडित जी करते भी है, पर पहला फर्ज आपका है कि आप मंदिर में आए हो तो पहले आप सफाई करो। क्यों? क्योंकि हम उसका द्वार साफ रखें। आज के समय में तो एक नियम हो गया साहब कि मंदिर में जाते हो तो मंदिर के दरवाजे पर चप्पल उतार के जाते हो, नहीं तो शास्त्र रीति तो यह कहती है कि मंदिर में भगवान सामने बैठा है तो उसके सामने चप्पल भी नहीं उतारना चाहिए। तो कई लोग कहते हैं मंदिर के अंदर थोड़ी ना उतारा, हम तो जीने से भी बाहर, एकदम गेट के बाहर वहां उतार, पर सामने तो है ना, सम्मुख में तो है। तुम्हारे यहां अगर चार लोग दिवाली मिलने आते हैं ना, तो तुमने चप्पल रखने का भी स्टैंड बनाकर रखा है, साइड में उतारिए, दहली पर मत उतार देना, थोड़ा साइड में उतारो, सामने से सब आते जाते रहते हैं, सामने उतारो, सम्मुख में क्यों उतार रहे। थोड़ा द्वार पे से दूर उतारिए, अभी तो कुबेरेश्वर धाम में काम चल रहा है, आप लोग जो दान दे रहे हो, आपके दिए हुए दान से निर्माण चल रहा है, अभी तो आप पहनकर जूता चप्पल भी अंदर आ जाते हो, भले दूसरे मंदिरों में चप्पल पहनकर हमने देखा है, आधिकाधिक मंदिरों में, ब्रजभूमि पर भी बहुत मंदिरों में लोग अंदर जूता पहनकर चले जाते हैं, पर जब तक बाबा नहीं बैठा तब तक तो आप पहनकर आ रहे हो। जिस दिन बाबा कुबेरेश्वर धाम में आकर बैठ गया, उसके बाद वो दोनों गेट पर चप्पल बाहरी रहेगी। आओ आप, कंकर से शंकर, शंकर जब शरीर से लगेगा तब सुख भोगोगे, आनंद भोगोगे, सुख की प्राप्ति। अपने द्वार पर भी कितना सुंदर लिखा है भविष्य पुराण के अंतर्गत, और विष्णु पुराण में भृगु बाबा का चरण का चिन्ह भगवान विष्णु की छाती पर रहा, भगवान विष्णु की छाती पर भृगु बाबा के चरण का चिन्ह रहा। चरण का चिन्ह, अब भविष्य पुराण में लिखा है कि अगर हम मंदिर के द्वार पर घर के चौखट के एकदम सामने चप्पल उतार देते हैं, 7 बार दिन भर में से कितनी बार, 7 बार विष्णु पुराण कहती है ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन दरवाजे पर 7 बार लक्ष्मी आकर खड़ी नहीं होती हो। कल एक कथा कही थी आपको कि प्रत्येक मनुष्य के भाग्य में सुख लिखा है केवल मंथन करना। भविष्य पुराण कहती है 7 बार लक्ष्मी प्रत्येक मनुष्य के दरवाजे पर जाकर खड़ी होती है, पर द्वार पर चप्पल पड़ी होने के कारणवश वो लौट कर चली जाती है। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, थोड़ा सा आपको बुरा लगेगा लग जाए, पर शिव पुराण है, जीवन संवार देगी तो अच्छी बात है, जीवन संवार दे तो अच्छी बात है। मंदिर के द्वार पर हम जब चप्पल छोड़ते हैं, जिस मंदिर की चौखट पर चप्पल छोड़ी है, आप जितनी देर आराधना में लगे रहते हैं उतनी देर तक आपकी चप्पल पर जितने लोग लांग कर जाते हैं, जितने लोग लांग कर प्रवेश करते हैं, उसका भी दुख आपके भाग्य में आता चले जाता है। ध्यान दीजिएगा जरा, चप्पल का भविष्य पुराण में पढ़िएगा कवि की पादुका का महत्व क्या है, पादुका किस ओर उतारना चाहिए, पादुका को कहाँ रखना चाहिए, किस जगह पर बुआरी झाड़ू को रखना चाहिए, किस जगह पर चलनी को रखना चाहिए, सुई
को जिस हाल में सब बैठते हैं उस हाल में क्यों रखा जाता? सुई तो इतनी सी है, पर जिस हाल में सब बैठते हैं उस हाल में ना तो झाड़ू रखते हैं, उस हाल में ना चलनी रखते हैं। भैया क्यों नहीं रखते? कारण क्या है कि जिस हाल में सब बैठकर बात करें, आवक जावक की बात हो, व्यापार की बात हो, लक्ष्मी की बात हो, प्रेम स्नेह की बात हो, आपस में बैठकर सब चर्चा कर रहे हो, अगर मच्छलनी होगी, झाड़ू होगी, तो बैठे बैठे बात करने में विवाद चालू हो जाएगा। 15-20 मिनट तुमने बहुत प्रेम की बात करी, अच्छे से बात करी, पति पत्नी बहुत प्रेम की बात कर रहे थे, मालूम पड़े बात करते करते से कब झगड़ा उत्पन्न हो जाए तो समझ में नहीं आया। हमारी बहू को क्या हो जाता है? बैठे बैठे बात करते करते झगड़ा कर देती है, जरा सी बात में झगड़ा चालू हो जाता है। कारण क्या है? जिस हाल में तुम बैठ रहे हो, जिस कमरे में तुम बैठ रहे हो, जिस हाल के अंदर सब बैठकर चर्चा करते, बात करते, चित्त करते, आपस में बैठकर सब लोग एक दूसरे के बातचीत करने बैठे, आए व्यय देखने बैठे, दुकान व्यापार की बात करने बैठे, उस जगह पर भी झगड़े का क्रम कहां से आ गया? एक ना एक का मुंह क्यों फूल गया? कारण क्या था? कोई बात टेंशन क्यों आ रहा है? मतलब उस हाल में या तो चलनी रखी है या झाड़ू रखी है, भले तुमने सोफे के नीचे फंसा दियो, भले तुमने पीछे फंसा दियो, पर पड़ी जरूर है, रखी जरूर है, कहीं ना कहीं पड़ी होगी। क्यों कहते हैं कि जिस हाल में आप बैठ रहे हो, जहां पर आप संपदा की बात कर रहे हो, दौलत की बात कर रहे हो, व्यापार की बात कर रहे हो, व्यवसाय की बात कर रहे हो, उस हाल में अगर कहीं कैलेंडर टंगा हो, कोई सामान ऐसा रखा हो, कोई पर्दा ऐसा लगा हो, कोई चीज ऐसी लगी हो, तो उसमें एक सुई उसमें रख दीजिए। क्यों कहते हैं? हमारे यहां दूल्हा भी जाता है ना, तो उसका जो साफा बनता है या जूता उसको पहनाते, उस तक में पिन टच करके भेज देते हैं। बोलो सही है कि गलत है? दूल्हा तोरण लगाने जा रहा है, दूल्हा तोरण देने जा रहा है, तो उसके जूते में भी पिन घुसेड़ कर भेजते हैं, पिन लगाकर भेजते हैं, उसके साफे में पिन लगाकर भेजते हैं। एक भले सुई नहीं लगाएंगे तो आलपिन लगाकर भेज देंगे। क्यों भेजते हैं? उसका कारण क्या? लक्ष्मी को लेने जा रहा, संपदा लेने जा रहा, और जिसको वो ब्याह करने जा रहा है उसका संबंध सुई और धागे के संबंध जैसा हमेशा सिला हुआ होना चाहिए, उधेड़ा ना जाए, कैंची जैसा कटा हुआ ना ही होना चाहिए। एक एक प्रमाण को जरा देखो तो। और दुनिया के लोग कहते हैं साहब हमारे यहाँ तो सुख नहीं है, शांति नहीं। शांति तुमने भंग करी, कोई दूसरा भंग करा? चप्पल उतार दी दरवाजे पर, मंदिर के द्वार पर, हम तो यहां तक कहेंगे पशुपति व्रत करने जा रहे हो, पशुपति व्रत को धारण करने जा रहे हो, एक सोमवार मत पहनो चप्पल जब मंदिर जा रहे हो, तब दिन भर पहनो, मंदिर जाओ मत पहनो, कोई जरूरी है कि मंदिर पहनने चप्पल पहनना जरूरी है? मंदिर के द्वार पर जहां भगवान विराजे हैं उसके द्वार पर अगर आपने चप्पल उतारी है, आप तो अंदर चले गए, पर जितने लोग लांग रहे हैं उसका मालूम, उसका स्मरण कितना कितना गया? छाता, चप्पल, आसन,